बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मौजूद हैं वादी तलबरु के अंदर। यह तहसील है रुंदू का और इसका डिस्ट्रिक्ट बनता है सिकरदू। तो आज हम तलबरु के मेन गांव में मौजूद हैं, ये आप देख रहे हो। तो इस वक्त टाइम बज रहे हैं सुबह का 6 बजे। तो अभी ये पूरा गांव का व्यू आप देख रहे हो। तो हमने आज जाना है वादी बिलमिक की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ से दूर है। तो आज हम पैदल जाएँगे, इंशाल्लाह आपको पूरा बिलमे का व्यू दिखा देंगे पहाड़ की फुल टॉप से। पर तो अभी हम इसके ब्रोक वाले हिस्से में पहुंचे हैं, वही आप देख रहे हो। ये इसको मिलियाल का शगरन भी कहते हैं। यहाँ पे लोगों ने आलू की जो फसल है वो काश की हुई है। तो इसके साथ ही आगे वो पुलोग्रोन है मिलियाल का। तो ये पहाड़ की दूसरी साइड हमने आज जाना है और देखना है आज। बीच स्टॉप पे हम मौजूद हैं, इसको लोकल जबान में फिलिजुंटू को कहते हैं। तो ये वो टॉप है जो काफ़ी इस गांव का सबसे बुलंद तरीन हिस्सा है, जहाँ पे प्रॉपर फॉरेस्ट है। तो जिस रास्ते से हम आज बिलमिक जाएंगे, उसको लोकल जबान में जो जो पज कहते हैं यहाँ पे। ये वो पॉइंट है जहाँ से आपको 3 एरिया नज़र आएंगे। पहली बात तो ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये मिलियाल है। इसके साथ साथ उसके उस साइड पे आपको नज़र आएगा वो तलुब्रोक है। वो जो नीचे आपको नज़र आ रहा है वो तलु है। तो आज हमारा जो मेन मिशन है वो हमने जाना है बिलमिक पॉइंट व्यू, जहाँ से बिलमिक नज़र आ रहा है। हम आपको दिखा देंगे ये वाले जो साइट है, इसको हमने क्रॉस करना है, हमारा मेन पॉइंट जहाँ से हमने बिलमिक जाना है। और अभी ये वाला जो साइट है ये सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया है। तो इसके साथ हम अपना भी सफ़र जारी करते हैं। पहुंचे हैं तकरीबन, हमने कोई 30 मिनट का सफ़र किया। वहाँ नीचे से वो देख सकते हो, उस
वहाँ से चलते हुए ये पूरे एरिया को हम कवर करते हुए अब यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरी जगह पहुँचे। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है ये इस एरिया का सबसे बड़ा दरख्त है, ये बतख अपनी हालत में मौजूद है। बाकी काफ़ी कुछ बड़ी दरख्त हैं जो वो डिफॉरेस्टेशन हो चुकी हैं। तो हमारा जो आगे जो रास्ता है वो कुछ यहाँ से हमें आगे जाना है, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ से जो है वो बिलम एक नज़र आएगी। बाकी नीचे वो नीचे दूर आप देख रहे हो ये गाँव है तलबुर की। तो हम अपना नेक्स्ट सफ़र आगे कंटिन्यू रखते हैं। और इस साइड भी आप देख सकते हो ये वो सारा एरिया है जहाँ से लोग लकड़ियाँ लाते हैं सर्दियों के लिए। अभी हम चलते चलते एक यहाँ पर पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ पे हमें एक चश्मा नज़र आया है। हमें वैसे तो प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, तो इंशाल्लाह अभी भी हम यहाँ पे पानी पियेंगे। यह अल्लाह का कुदरत है कि यहाँ पे एक चश्मा है, इस चश्मे का पानी बहुत ज़्यादा मीठा है और ठंडा भी है। तो इंशाल्लाह हमने ये पानी पी लिया है, तभी अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। दोस्तों अब चलते चलते यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये जगह का नाम है गुटे मिश्रम। ये देखो ये बहुत बड़ा है, गहरा जो है वो नाला है, चारों तरफ से पहाड़ है और यहाँ पर नीचे जो है वो चश्मा निकलता है। ऊपर कोई आपको चश्मे का वो आपको नाम निशान नज़र नहीं आएगा, लेकिन नीचे अल्लाह की कुदरत है कि एक चश्मा मौजूद है और सामने मुकम्मल क्लियर सारा सा जो है वो तलु का जो व्यू है यहाँ से फुल क्लियर आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे इंशाल्लाह, आगे हमें जाना है बिलमी की तरफ। ये मलियाल का जो बिलमे का जो रास्ता ये वाला है, ये आपको देखने में तो काफ़ी ख़तरनाक नज़र आता है, बाकी है भी ख़तरनाक है, लेकिन यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको इतना कोई इशू नहीं होता। इंशाल्लाह हम इस रास्ते को क्रॉस करके आगे बिलमे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको नीचे वो आपको मलियाल भी नज़र आ जाएगा। मलियाल वो मकाम है जो आपको नीचे जो टेला नज़र आ रहा है उसको शरबरो कोट कहते हैं लोकल जबान में, और साथ ही आगे मलियाल नज़र आ रहा है वहाँ पर इस्काम का टावर लगा हुआ है। और ये रास्ता है, इसको इंशाल्लाह हम क्रॉस करके पहुँचेंगे। यहाँ तकरीबन हम पहाड़ों के जो लेवल है उसके करीब हम हाइट पर उतरे हुए हैं, तो हमें थोड़ा बहुत सांस का भी इशू चढ़ रहा है क्योंकि इतना कुछ नहीं है। और साथ साथ रास्ते में बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिसाल के तौर पर ये आपको दिखा देगा, ये इसको तुमरू कहते हैं लोकल ज़बान में, एक जड़ी बूटी, इसको एज आ मेडिसन यूज़ करते हैं अगर आपके पास सर दर्द ज़ुकाम खांसी नज़ला उस तरह के इलाज के लिए भी बहुत सारा फ़ायदा है। इस रास्ते में बहुत सारे आपको फ़ायदे भी नज़र आएंगे। चलो अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं। तो फिलहाल हम फाइनल स्टॉप पे पहुँचे हैं जिस स्टॉप से आपको ये मलियाल भी नज़र आ रहा है, तलबर भी नज़र आ रहा है, तलु भी नज़र आ रहा है। वो आगे मलियाल से हम चलते हुए ये सख्त जो ऊंचाई जो है इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये सारा जो है ये टॉप, ये साथ आगे जो है बिलमिक है हारपो, इससे आगे जाएंगे तो आपको बिलमिक जो है वो बेंसा नज़र आएगा। और वो जो आगे नज़र आ रहा है अपना लशी थांग है, ये पूरा व्यू है। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो इंशाल्लाह ये चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर बादल एक बड़ा एक मज़े का अच्छा व्यू दे रहा है। हम उसको लुफानंदोज़ करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अभी हमने चढ़ाई को क्रॉस करते ऊपर टॉप पे जाना है, फिर वहाँ से हम आपको इंशाल्लाह
मेला में दिखाएंगे। और हम अभी इस चढ़ाई के ऊपर फुल चढ़ के जा रहे हैं, फुल चढ़ाई पर पहाड़ तक। तो एक ये रास्ता है मेला में जाने का, दूसरा मेन जो रास्ता है वो यहाँ से नीचे है। ये जो आपको रास्ते नज़र आ रहे हैं यहाँ से नीचे हर को आप पहुँचेंगे, आपको जो आगे थोड़ा सा नज़र आ रहा है वो दमोदास है और ये साथ वाला आगे लशीतंग है। हम वो आगे वहाँ से चढ़ते हुए अभी आए हैं, तो इंशाल्लाह हमने इस फुल चढ़ाई पे चढ़ना है, काफ़ी मुश्किल भी है लेकिन हम इंशाल्लाह उसको क्रॉस कर लेंगे। आगे टॉप पे जाके आपको दिखाएंगे। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये चढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर चढ़ते हमारी जो सांसें फूल रही हैं, जबकि साथ वाला जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी खाई है। तो यहाँ हम ऊपर चढ़े हैं लेकिन वीडियो ना बना सके, लेकिन थोड़ा सा बनाया है वो आप देख लो। दोस्तों ये हमारे लाइफ का पहली माउंटेन है, इसको हमने सर किया है। तो इस बार हमने ज़िंदगी में पहली बार ये पहाड़ की जो दूसरी साइड है उसको बिलामिक है उसको देखने वाले हैं। तो हम एक दो तीन कह के पहली बार बिलामिक देखेंगे, हमारी जो एक्साइटमेंट है उसकी इंतहा है। तकरीबन कुछ 7 घंटे हम पैदल चढ़े हैं पहाड़ पर, यह आप देख सकते हो फुल पहाड़ के माउंटेन के ऊपर टॉप आए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं 1, 2, 3 करके, ये अभी हम फाइनल 1, 2, 3 के साथ और जो है वो सर करने वाले हैं। 1, 2, 3 गो। ये बिलम कैसे अपनी लाइफ में हमने पहली बार बिलम देखा है, तो हमारी अपनी एक्साइटमेंट बिल्कुल टॉप है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमने बिलामिक को फुल व्यू से देखा है, ये अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल खुश हैं आज, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। हमने बिल्कुल लाइव में बिलामिक को पहली बार देखा और बिलामिक हमारे कदमों के बिल्कुल नीचे है। तो बिलाआखिर दोस्तों हमने आफ्टर कोई 7 घंटे मुसलसल
चलने के बाद हम अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये फुल टॉप ऑफ द माउंटेन है, तो ये फुल जो चढ़ाई हमने क्रॉस की है, तो हमारी दूसरी साइड जो है वो वादी बिलामिक है। तो ये बिलामिक का जो है वो थरचा वाला हिस्सा है, ये इनका तकरीबन ब्रोक वाले हिस्से में आता है। ये बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है एज़ कम्पेयर टू तलब्रोक, और इनका जंगल भी काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा हमें बड़ा नज़र आता है। और इसके अंदर हमें काफ़ी बड़े बड़े टीले नज़र आते हैं, जो पानी नहीं होने की वजह से काफ़ी कुछ ड्राई है। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और एक्साइटमेंट की तो हमारी इंतहाई है। आप देख लो, ये पूरा का पूरा वादी है बिलामिक है, जो अभी ऊपर पहाड़ से कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो हमें काफ़ी कुछ खुशी है कि हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। Thank you.